हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल सीमा के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं ऐश्वर्या राय बच्चन की। ऐश्वर्या राय की शादी में डिवोर्स ये सब चीजें मतलब काफी ज्यादा आ चुकी हैं। पहले ये काफी देर से ये चीजें छुपी हुई थी, बट एकदम से अभी सामने आनी शुरू हो गई हैं। और ऐश्वर्या राय परेशान होके अपने घर में जा चुकी हैं। ये 2 साल से ही ये सब चल रहा है। ऐश्वर्या अपने मायके जा चुकी है, अपनी माँ के घर पे रहती है। ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन के घर पे नहीं रहती। जया बच्चन के नेचर का सबको पता है कि जया बच्चन का नेचर कैसा है, और अभिषेक को मेरे ख्याल में अपनी शादी बचानी चाहिए थी, ऐसे नहीं करना चाहिए था। अब ये शादी के बीच में आ गया है एक नया मोड़। आज सुबह मैंने एक वीडियो देखी थी जहां पे एक लेडी है जो कि भविष्य बताती है, मतलब कुछ ऐसे होते हैं हिंदूज में, मुझे ज्यादा उन चीजों का नहीं पता, वो होते हैं, वो बताते हैं कि मंगली की वो सब चीजों का। उन्होंने एक ये चीज बताई है कि ऐश्वर्या राय मंगलिक है और ऐश्वर्या की शादी से पहले एक पेड़ के साथ शादी करवाई गई थी। जब पेड़ के साथ शादी करवाई थी तो ये मान्यता मानी जाती थी कि पेड़ के साथ शादी करवा दो और उसके बाद सब कुछ सही चलता है, कुछ नहीं खराब होता। और उस लेडी ने ये कहा कि पेड़ के साथ शादी करवाना ये सब ऐसी फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो बंदा और बंदी, जो लेडी और जेंट्स, तो भी मंगलिक होते हैं, उनकी जो शादी होती है वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। और जिसी कारण अभिषेक बच्चन का कामकाज बिल्कुल ही स्टॉप हो गया शादी के बाद। और ऐश्वर्या राय, और उसने ये भी कहा कि ज़िंदगी में आते आते कभी ना कभी डिवोर्स ज़रूर हो जाता है, ये चीज़ें हो जाती हैं, या तो बच्चे की प्रॉब्लम या किसी ना किसी चीज़ की प्रॉब्लम आ जाती है लाइफ में। तो ऐश्वर्या राय के ऊपर इतनी बड़ी बात की जा रही है, मैं नहीं मानती इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये सब चीज़ें अगर होती, मेरे ख्याल में, पता नहीं अभी लोग मानते हैं नहीं मानते पता नहीं है, मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा रिलीजन है, सिख है और हिंदू है, मुस्लिम, मतलब हिंदू नहीं मुस्लिम है, और काफ़ी लोग हैं जो मतलब टेवा वगैरह नहीं बनवाते, जो अपनी कुंडली नहीं बनवाते और शादी उनमें भी हो जाती है। तो शादी जब हो जाती है तो फिर भी अच्छे तरीके से, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, जिन्होंने कभी टेवा बनाया ही नहीं, जिन्होंने कभी अपनी जो होती है जन्म कुंडली वो कभी बनाते ही नहीं, भाई हमारे में नहीं बनाते थे। अभी जब हम ये हिंदू वाला थोड़ा सा चल गया ना, तो पंडित वगैरह ये सब थोड़ा घर में हमारे भी आ गया, तो माँ बाप ने बनवा लिया था टेवा, जिसके कारण काफ़ी चीज़ें उल्टी पुल्टी भी हुई, क्योंकि वो जो पंडित थे ना पहले वाले, वो एकदम सच बताते थे। अभी की चीज़ें काफ़ी समझ में भी नहीं आती, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, वो भी चीज़ें होती हैं। तो ऐश्वर्या राय के ऊपर ये कहा जा रहा है कि वो मांगलिक के कारण इनका जो डिवोर्स ये सब चीज़ें होनी हो रही हैं और होंगी, कि पहले ही ये सब हमने कहा था, लोगों ने ये कहा, मतलब जो पंडित टाइप के उन्होंने कहा कि हमने पहले ही ये सब कहा था, तो हम तो यही चाहते हैं। तो इसके बीच में एक गुड न्यूज़ भी आई कि इनके डिवोर्स की बात होती रही, काफ़ी बार डिनाई भी किया गया। फिर जब ऐश्वर्या राय का बर्थडे था तो अमिताभ बच्चन ने एक बार भी विश नहीं किया, हालांकि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन विश करते थे, अपने सोशल अकाउंट पे पिक्चरें शेयर करते थे और ऐश्वर्या को बधाई भी देते थे। पिछले साल तो अमिताभ बच्चन ने रुखा सुखा विश तो कर ही दिया था, बातचीत नहीं थी, कुछ नहीं था, सेलिब्रेशन नहीं था, विश तो कर दिया था अपने सोशल अकाउंट पे, बट इस बार अमिताभ बच्चन ने कोई विश नहीं किया, कोई अकाउंट एकदम से सुना, ऐश्वर्या राय का, अभिषेक बच्चन का, तो इनका सोशल जो अकाउंट था वो भी बिल्कुल खाली ही नजर आया, कुछ उस पर था ही नहीं, कुछ डाले ही नहीं इन लोगों ने। तो मैं सिर्फ यही कहती हूँ कि देखो, अगर इंसान चाहे तो काफ़ी चीज़ें हो भी सकती हैं सही। अगर इसके बीच में बात आ रही है निमृत कौर की भी, देखो अगर कुछ है ही नहीं तो किसी का पर्टिकुलर नाम कैसे आ जाता है, कैसे आ जाता है डायरेक्टली, किसी का नाम नहीं आता, कुछ ना कुछ तो जरूर होती है, तो बात उठती है। निमृत कौर आगे से ये कहती हुई नजर आई कि भाई मेरा कोई रिश्ता इनके साथ नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं बस चाहती थी कि अपने पापा का स्टैचू बनाना, क्योंकि वो दुनिया में नहीं थे, तो वो स्टैचू वेच मैंने बनवाया है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपना काम करना चाहती हूँ, इनके रिश्तों में मेरा कोई लेना देना नहीं है। निमृत कौर ने इसको सिर्फ रूमर्स बताया, अफवाहें बताई और वहाँ से निकल गई, और उन्होंने कहा कि मैं अपना काम कर रही हूँ, मुझे और कुछ नहीं। 40-41 साल की निमृत कौर है जिन्होंने शादी नहीं की। ये भी पूछा गया कि आपने शादी क्यों नहीं की, तो
तो निमृत कौर ने आगे जी ये जवाब दिया कि भाई शादी जब होनी होगी हो जाएगा, मैं किसी को पकड़ के तो नहीं ला सकती, मेरी लाइफ में जब किसी ने आना होगा तो आ जाएगा, किसी की एंट्री होनी होगी तो हो जाएगी। तो अभिषेक बच्चन के कारण अभिषेक के मतलब कुछ भी संबंध निमृत के साथ, निमृत ने डिनाई कर दिया सब कुछ कि मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐश्वर्या राय जो बॉलीवुड की और पूरी दुनिया की मिस वर्ल्ड है, तो देखो उसका घर टूटने जा रहा है। तो खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती, किस्मत भी बड़ी चीज होती है। और इसके बाद ऐश्वर्या राय को एक मूवी मिली है, जो मूवी एक रावण इन्होंने की थी और एक मूवी एक और की थी, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा, ऐश्वर्या राय ने और अभिषेक बच्चन ने दोनों ने एक साथ की थी। तो वो जो मूवी थी एक जो मूवी है वो 2007 में आई थी और उसके बाद इन दोनों की शादी हो गई थी 2007 में, और अभिषेक बच्चन के साथ ही आई थी ऐश्वर्या राय की मूवी। और दूसरी मूवी आई है अभिषेक बच्चन की और ऐश्वर्या राय की 2010 में, वो भी इन दोनों के साथ में आई थी। तो अब जहां पे इनका रिश्ता टूटने की तादाद पे आ गया है, तो जो फिल्म डायरेक्टर ने इनकी जो मूवी बनाई थी उस टाइम पे इन दोनों को एक साथ किया था, तो वही फिल्म डायरेक्टर ने इन दोनों को साइन कर लिया है। ये खुशी की बात है कि वही फिल्म डायरेक्टर ने इन दोनों को साइन कर लिया है। आदमियों का कुछ कभी जाता है कभी नहीं जाता, बट औरत का कभी जाता है कभी, औरत का जाता है मेरे ख्याल में 90% औरत का ही सब कुछ जाता है, पर बच्चों का जो होता है ना वो 100% चला जाता है। माँ या बाप में से कोई एक भी अलग हो जाता है, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री के हों, लोग छुपा लेते हैं भाई आगे बढ़ जाते हैं, बट बच्चों और माँ बाप के बीच में बहुत दूरियां आ जाती हैं, चाहे माँ अलग हो जाए चाहे बाप अलग हो जाए। तो अभी जो फिल्म डायरेक्टर ने इनको साइन कर लिया है उस हिसाब से ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन रहेंगे साथ में, डिवोर्स तो नहीं हुआ अभी, तो साथ में रहेंगे तो इनकी आगे जाके लाइफ अच्छी हो सकती है। तो लाइफ अच्छी होगी, रोज मिलना जुलना हो गया, कुछ चीज़ें अच्छी लगनी शुरू हो गई, तो बहुत अच्छा होगा। घर छोड़ के जब चली जाती है औरत, उसके बाद आदमी भी थोड़ा थोड़ा करते, थोड़े दिन दुख लगता है, उसके बाद फ्री होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो अकेला, उसके पास बच्चा नहीं है। औरत के पास बच्चा है, रोज़ वो बच्चा कुछ ना कुछ बात करता है अपने बाप की, और औरत को भी तकलीफ होती रहती है। तो हम यही दुआ करते हैं कि ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की जोड़ी अच्छी बनी रहे, और हस्बैंड वाइफ चाहे ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन ही नहीं, दुनिया में कोई भी हस्बैंड वाइफ हो, अगर उनके बच्चे नहीं है वो सेपरेट हो रहे हैं तो चलो ठीक है, कुछ भी है नहीं समझ आ रही, वैसे तो नहीं होना चाहिए, तो हो जाए तो फिर भी कुछ नहीं कह सकते, बट जिसके बच्चे हैं वो दो जो, तो वो जो दो लोग हैं ना हस्बैंड वाइफ, उन दोनों को गाड़ी के दो पहिये को साथ चलना चाहिए, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, थोड़ी सी ईगो औरत को छोड़नी चाहिए, थोड़ी सी मर्द को छोड़नी चाहिए, तो घर बहुत अच्छा चलेगा। तो हम यही प्रे करते हैं कि इन दोनों की जोड़ी अच्छी बने, आराध्या के माँ बाप उसके साथ रहें, बच्चों को खुशियाँ मिलती रहे और लाइफ अच्छी चले। अभी क्या करना है जब 50-60 साल की उम्र भी आगे गुजरती जाए, तो फिर उसके बाद कहाँ ही शादियाँ, कहाँ वो लाइफ नहीं रहती। जितनी मर्जी अलग हो जाओ, कहते हैं कि 50 साल का बुढ़ा नहीं होता, हो जाता है, फिर भी हो जाता है, काफ़ी चीज़ें जिंदगी में बॉडी में चेंज हो जाती हैं। इस टाइम पे इंसान को ज़रूर समझना चाहिए कि हमें एक दूसरे का साथ चाहिए, और जो पहली शादी होती है ना वो पहली शादी ही होती है। तो हम ये होप करते हैं, दुआ करते हैं कि इन दोनों की जोड़ी बनी रहे, भाई मिस वर्ल्ड भी है और हमारी सबकी चहेती भी है, अभिषेक भी समझ के ले और ये भी समझ के ले, और जिसने इनको साइन किया है मूवी, तो बस हो सकता है इनकी जोड़ी बनी रहे। तो बस यही दुआ करते हैं कि इन दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे, और बने रहिए सिमन के साथ फॉर मोर अपडेट्स, ऐसी ही कुछ न्यूज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।